नमस्कार दोस्तों, कंस्ट्रक्शन टिप्स विद लक्ष्मी नारायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए आपके समय के साथ साथ बहुत पैसे भी बचाने वाला है। जैसे कि बात करते हैं, चूँकि दोस्तों बहुत से लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि अगर प्लिंथ बीम दे रहे हैं तो या ग्राउंड बीम दे रहे हैं तो उसके बाद डीपीसी देना क्या आवश्यक है। ठीक है, तो डीपीसी अलग होता है, प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम अलग होता है, तो ये दो क्वेश्चन आते हैं, तो इस डाउट को जो है आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों दो केस होते हैं, दोनों केसों में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा कि किन के लिए ज़रूरी है, किन के लिए ज़रूरी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि डीपीसी होती क्या है। डैम प्रूफ कोर्स होता है, ये जो सामने आप देख रहे हो ब्रिक वर्क के नीचे जो ये 2 इंची का जो देख रहे हो ये डीपीसी है। ठीक है, और बीम इसके नीचे है, ये स्टील स्लैब डल चुकी है, इसकी पीसीसी हो चुकी है, इसलिए बीम नहीं दिखेगी, ग्राउंड बीम। ये डीपीसी दिख रही है आपको, ये डीपीसी है। ठीक है, अब डीपीसी का मतलब पता लग गया, जिसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसका काम है कि मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे नीचे जो मिट्टी होती है, अच्छा मिट्टी से जो है ना, अगर ब्रिक हमारी जो कांटेक्ट में है और जो नीचे जो मिट्टी होता है वो नमी को ट्रांसफ़र करता है, जो ईंट होता है मतलब मिट्टी से नमी ईंट तक ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, मिट्टी नीचे है तो ईंट के अगर टच में रहेगी तो नमी ट्रांसफ़र होगी, तो इसलिए और ईंट से एक रद्दे से दूसरे रद्दे में ट्रांसफ़र होगी, दूसरे रद्दे से तीसरे में ट्रांसफ़र होगी, इसलिए जो है हम डीपीसी नमी आ जाती है वहाँ पे, सीमेंट पुट्टी पीओपी जो भी होता है वो पपड़ी बन जाती है, गिरने लगता है। इसलिए तो मेन पर्पज़ यहाँ पर क्या है डीपीसी का, अभी मैं समझाने वाला हूँ। जैसे कि ताकि मिट्टी से जो है नमी ब्रिक्स में नहीं आए, इसलिए हमें डीपीसी देनी होती है। ठीक है, अच्छा नीचे मिट्टी दबगी, मिट्टी से ऊपर अभी वहाँ पे आपको डीपीसी दिख रही है। ठीक है, अभी मिट्टी से ऊपर ये पीसीसी आ गई और पीसीसी ऊपर देखो वहाँ पे वो डीपीसी दिख रही है। तो मिट्टी और ईंट दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसलिए नमी आने का बिल्कुल चांसेस नहीं है यहाँ पर। अब दो केस आ जाती है, बीम डालना डीपीसी डालना दोनों बहुत महंगे होते हैं, किसी का बजट है किसी का नहीं है। तो इस केस में क्या करना है कि ये जो फ्लोर डाला है स्टिच स्लैब डाली है। ठीक है, ये पीसीसी डालते हैं, अगर स्टिच स्लैब की बजट नहीं है तो पीसीसी डाल सकते हैं। तो इस पीसीसी को प्लिंथ बीम के ऊपर ले जाओ, प्लिंथ बीम को ऊपर ले जाओ तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन बीम के ऊपर तुरंत ब्रिकवर्क नहीं चालू करना है, ये मेन चीज़ है। तो दोस्तों डीपीसी ज़रूर डालें, इससे ये पता चल गया होगा आपको, अगर बजट का भी पता, तो सेम लेवल में कभी भी नहीं करें, ब्रिक जो सॉइल है हमारी सेम लेवल में नहीं रखें, जैसे बीम के बराबर मिट्टी भर देते हैं फिर वहीं से ब्रिकवर्क स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मेन ध्यान रखना है। आई थिंक ये पॉइंट जो है आपको क्लियर समझ आ गया हो, है ना, ईंट और सोयल को अलग अलग रखना है। अगर मिट्टी और ईंट का कॉन्टैक्ट रहा तो सीलन आप अपने घर में कभी भी नहीं रोक पाओगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि कंक्रीट कभी भी नमी को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, और मिट्टी जो है ये क्ले जो है सॉइल सॉरी ये जो ब्रिक्स जो है क्ले से ही बनती है, तो इसमें कैपिलरी एक्शन जो है ना ईजिली होता है। ठीक है, पानी जो है चढ़ता ही चढ़ता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप सॉइल भरवाने वाले हैं और डीपीसी का क्या मायना है। ये सारा समझ आ गया आपको डीपीसी का क्या मायना है इस वीडियो में, तो मुझे लगता है बड़े ही इत्मीनान से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे, थैंक यू।